الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغ إني ولو أيام. मेरे भाइयों बहनों, खासकर मैं इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ हमारे बहनों को बताने के लिए किया हूँ। खासकर हमारी माँ बहनों में एक कमी देखते आया हूँ, इसलिए इस कमी को मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। मेरे दिल में बात थी, इसलिए ये चीज़ को आप तक सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने दो चीज़ों को आपके सामने तिलावत की है। एक सूरत अल इमरान के आयत नंबर 31 है, 30 पर एक है, जो आयत नंबर 30 पर एक में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, खुल कह दो, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, सही मानों में अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं तो, अल्लाह को आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो, अल्लाह से आप कुछ तलब करके आपकी दोस्ती वहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो, आखिरत में अपना तोशा अच्छा कर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा इस आयत में, आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करो, हत्तबियूनी अहबुबकुमुल्लाह। उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह तुम्हारा दोस्त बन जाता है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी चीज़, कितनी बड़ी नेमत दे रहा है। क्यों? क्योंकि याद रखो, यहाँ पे कोई कारपोरेटर हमारा बड़ा दोस्त नहीं बन रहा है, MLA नहीं, MP नहीं, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं। भाइयों, मेरी माँ बहनों, वो मेरा जो मालिक है कायनात का मालिक आपका दोस्त हो जा रहा है। कब? तब होता है जब आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात पे रहते, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम के जितने भी अहादीस हैं, इन अहादीस में जब आप इसको अमल करना शुरू करेंगे तो आप नबी अलैहिस्सलाम की बात को माने जैसा हुआ और अल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाला हो जाता आपको। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी नेमत दे रहा है आपको। मैं ये क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ पे, देखिए आपको यहाँ पे हमारी माँ बहनें एक चीज़ से महरूम है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाती जो जिनका तरीक़ा अपनाता वो उनमें हो जाता। मसलन अभी हमारे हिंदू भाइयां बहना है ना, उनकी ईद त्यौहार वगैरह सब आती, अब वो क्या करते, वो उनके वो देवरू को यानी कि बुत को उठा के रख के वो एक गाड़ी में रख के खींच के जाते रहते तो वो कुछ उनके जो उनके दिल में बात आती वो बोलते जाते रहते, और वहाँ पे क्या करते, वो उसके पीछे थोड़े लोग भी रहते जाने वाले खींचते हुए। वो ट्राली जब खींची जाती ना, तो उस वक्त में वो लोग भी थोड़े उसके पीछे फॉलो करते जाते रहते। अब क्या होता है, जब फॉलो करते जा रहे हैं थोड़ी आवाज़ भी आती। अब आवाज़ आती, हम लोग कहीं घर में बैठे रहते समझो, वो 90 पर 9 है, 99 है, तो मैं क्या करता हूँ, ठहरो भी एक मिनट, थोड़ा जाके देख लेके आता हूँ, बोल के जाता हूँ। तो मैं गया तो हाँ कितने होते, 90 पर 9 थे, मैं गया तो 100 हो गए। अगर मैं गया तो 100 हो गए, तो वो 100 किसके हुए, उनके ना, 90 पर 9 भी मैं नहीं दिसने, हालांकि मैं जाते ही वहां पे 100 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी तादाद बढ़ाना, हम उनमें होना। अब यहाँ सिर्फ होता ही नहीं है, अब क्या हो रहा है, अब वहाँ उनमें रहा उस वक्त में, अगर मैं मर गया समझो, खींचते थे कुछ ट्राली वगैरह कुछ वो ऊपर चढ़ गई या कुछ मेरी मौत आ गई, अल्लाह ना करे, उनमें मैं मर गया समझो, उठाते किन में, वही गैर मुसलमानों में। ये हमारे माँ बहनों में एक कमी है। वो क्या कमी है, बहुत ही डेंजर है ये। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात क्या है,
जो जिनका तरीका अपनाया वो उनमें हो गया। देखिए ये पैर की एक उंगली है, खासकर दो पैरों में वो दो उंगलियां में डालते हैं, कभी तीन डालते हैं, डालने वाले भर को डाल लेते हैं। लेकिन जब तक ये तरीका जो उंगलियों में डालने का जो तरीका है, जब तक गैर मुसलमानों में नहीं डाली जाती तब तक उनकी शादियां नहीं होती, खासकर हिंदुओं में। क्रिश्चियनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे, खासकर हिंदुओं में। अब हमारे माँ बहना क्या समझ गए उसको, अरे हमें भी डालना, उनको देखो हमें भी अपना लिए, अब उनका तरीका हम अपना लिए, अब उनके तरीके में हम थे, अगर हमारी मौत आ गई तो उठाते किन में हमें, अगर हमारी मौत आ गई तो उठाते किन में, वही गैर मुसलमानों में ना। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं, रोज़ा रखते हैं, कलमा पढ़को हैं, अल्लाह के ऊपर ईमान है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान है, नबियां के ऊपर ईमान है, फरिश्तों के ऊपर ईमान है, खैरात करने की कोशिश करते हैं, कोई आया तो उसकी देखभाली के लिए ले भी है, तो भी है, दो पैसे आप अपने आप में रख ले भी कर बोल को, उसे भी देने की कोशिश करते हैं, भाइयों बहनों का हक अदा करते हैं। गौर करके देखो आप, अगर मौत उनके तरीक में रहने के वक्त में आ गई तो उन्हीं में उठाया जाता ना। अब जब उन्हीं में उठाया जाता है, हजार भी मुझे नहला लेंगे आप, हजार भी मुझे नमाज पढ़वा लेंगे आप, फरिश्ते जब मुझे उठाए, याद रखो फरिश्ते मुझे जब उठाए, मेरी रूह को निकाले, मौत आ गई अल्लाह के तरफ से, तो वो वक्त में मैं गैर मुसलमानों में रहा तो मुझे गैर मुसलमानों में ही शुमार किया जाएगा अल्लाह के पास भी। गौर करने की बात है, ये बहुत सख्त सख्त तरीके से हमें आजमाइश पे लग जाते हैं, बहुत तकलीफ में फंस जाते हैं। कैसी तकलीफ में फंसते, अब तो बात पता चल गई, उनके तरीके में रहे तो उन्हीं में से मर गए समझो, उसी तरीके में पाँव में उंगलियां में रख ले को, वो क्या की कर ले को, उनके तरीके में मर गए समझो, तो वो गैर मुसलमानों में उठाते ना, अगर उनमें उठाए तो एक बार उठा ले तो वो गैर मुसलमानों के हिसाब में। अब जब वहाँ जाते हैं अल्लाह के पास, क्या अल्लाह जन्नत देता क्या, अरे याद करके देखो ये गैर मुसलमानों का तरीका है, अगर एक बार उसमें जाने के बाद में हमें उसी में डालेगा ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सीरियस मैटर है, हमारे माँ बहनों की हिफाजत के लिए अल्लाह के पास, यहाँ पे छोड़ो, ये छोटी जिंदगी है, यही बताता हूँ अभी इंशाल्लाह दो मिनट में। तो ये जो बात है ना, मैं उनके साथ था तो मेरी मौत उन्हीं में उठाई जाती है, अगर एक बार उनमें उठा लिया तो कयामत तक का नहीं, कयामत के बाद भी उसी जहन्नम के गड़े में रहता, रहने का एक रास्ता बना ले रहा हूं। तो इससे बचना है, कैसे बचना है, उस तरीके से दूर करना है, क्यों, क्योंकि हमारे कहीं भी या तो अल्लाह की तरफ से या तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से, दोनों के तरफ से भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जब तक अपनी उंगलियों में अंगूठियां नहीं डालते तब तक आपकी शादी नहीं होती बोल के कहीं भी नहीं है, या आप कहीं भी छानबीन कर लो कहीं भी नहीं है। अब कहां भी नहीं है अगर फिर भी हम अपना रहे तो वो हदीस के मुताबिक हम लोग चले जा रहे, फिसा खत्म, तो हदीस के खिलाफ चले जा रहे, वो हदीस के खिलाफ चले जा रहे तो फिसा खत्म, अगर हम उसके खिलाफ जा रहे तो हमारा ठिकाना हमें जहन्नम में बना ले रहे हैं, जहन्नम में कैसा वक्त मुश्किल आती। अब बोलता हूं जरा सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुरान की एक आयत है, अल्लाह ताला हमें कुरान दे दिया है, उसीलिए हमें कुरान को समझ कर पढ़ना बहुत सख्त जरूरत है। कैसे, ये सूरतुल ज़ुमर की एक आयत है 42:40 पर दो, यानी कि 39th चैप्टर में 42nd वर्सेस है, इसमें जाके खोल के देखो, अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है, अल्लाह ही है जो तुम्हें तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारी रूहों को निकाल कर मौत दे देता है, और उसके बाद में दूसरी बात क्या बोलता है, और जिनकी मौत नहीं आती उनको उनकी नींद के वक्त, जब सोकर रहती नहीं उस वक्त, उनकी नींद के वक्त उनकी रूहों को निकाल लेता, जिन पे वक्त लग गया उन्हें वहीं रोक लेता,
थोड़ों को जो चाहता है वो उनको फिर वापस दे देता। ये कब कर रहा है? नींद के वक्त। इनमें सोचने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए बहुत सारे निशानियां हैं। अब देखिए, गौर करिए इस बात के ऊपर। आप जाके उठा देखिए, कुरान पढ़िए, आपको पता चल जाता है। हमारे माँ बहन बहुत अच्छा पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अमल भी तो थोड़ा करना है ना उस पर, थोड़ा नहीं पूरा कर रहा है। तो बहुत आसान भी है, ये मत समझो मुश्किल नहीं है, हमें बहुत आसान भी है अल्लाह के फजलो करम से। तो अब यहाँ कैसा होता है नींद में, एक तो रूह काट ले तो मौत दे देता हूँ, और दूसरी बात उनकी नींद के वक्त। नींद में क्या है, देखिए एक फैन चलते रहता है, वो जब तक फैन चलता ना, वो उसमें हाँ जान है भी ऐसा कर बोल के जरा आराम से बैठते, करंट चले गया समझो। तो जैसे ही वो करंट जाता है, हरारत शुरू हो जाती है, धुपकाले का जमाना है समझो, चीना शुरू हो जाता है, इधर भी पोछे लेना शुरू हो जाता है। अब वैसे वक्त में फिर वो करंट क्या तो भी आ गया समझो, फैन सर बोल के घूमना शुरू किया, अब इसमें जान आ गई रे बाबा बोलते, मतलब वो करंट उसके लिए जान है। अगर बाइक लेंगे उसके लिए पेट्रोल है, बस लेंगे तो डीजल है। इंसान के लिए ये सांस जान नहीं है, पानी जान नहीं है, खाना जान नहीं, फिर इंसान के लिए क्या है, ये दिल एक है, दिल ऐसे मार लेना है। ये इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलाम बोले, कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है। अल्लाहु अकबर, गौर करने की बात है। कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, और दूसरी बात बोल रही फौरन फीच, इसके बाद क्या, कौन बोल रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में तुम्हारी रूहों को, अगर बोल रूह के बारे में तुम्हें बताया जा रहा है, रूह है नहीं देखेंगे, इसीलिए बता रहा हूं। देखिए जान, ये दिल मार लेने के लिए ऐसा मार लेना, ये हयात बोलते ना, हयात, हयात यानी कि जान, जान यानी कि ये दिल, दिल मार लेने के लिए थोड़ा करंट होना, जैसे पेट्रोल होना, पिस्टन लक पुक करने के वास्ते थोड़ा पेट्रोल होना, ऐसे ही यहाँ पे ये चलने के लिए थोड़ी करंट होना, वो करंट ही जान है, वो अल्लाह की अमानत है, वही नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। जान मालूम होगी, धड़ को हम आंखों से देखते महसूस भी करते, दो चीज़ें मालूम होगी, जान मालूम होगी, धड़ मालूम होगा, अब रूह है नहीं देखेंगे। ख्वाब, ख्वाब यानी कि अल्लाह ताला फरमाया ना सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 42 में, हम सोते तो तुम्हारी रूहों को निकाल ले तुम कराए। इंसान नहीं मरता, क्यों? ये जान भी धड़ यहाँ पे रहता, ये जान और धड़ दोनों भी एक रहते हैं, और यहाँ पे ये रूह बाहर निकल जाती, जैसे ये रूह बाहर निकलती इंसान नहीं मरता, इसे पकड़ी हुई इसको कंडीशन में रखी रहती है, ये कहीं दूर जाती है। अच्छे ख्वाब की अगर एक मिसाल लेंगे तो कहीं जाके फल तोड़ के खाए जैसा, अंगूर तोड़ के खाए जैसा, आम तोड़ के अच्छा मजा किया जैसा, और बहुत सारी चीज़ें बोल सकता हूँ ऐसे, अल्हम्दुलिल्लाह नींद में महसूस होता है हमें, अरे वहाँ पे मजा करते रहते, यहाँ पे हमारा पूरा बॉडी में महसूस होते रहता है, कोई आके उठ उठ बोले तो नहीं उठे, चल 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 बोल, तो गौर करने की बात है ये। आप लोग क्यों बोलते? क्योंकि वहां पे जो हमारी रूह गई है ना हमारे जिस्म से, इंसान नहीं मरता, जान भी धड़ियां एक है, ये रूह जाके वहां पे मजा करती ना, वो मजा कर रहे थे वक्त उसे सुकून है, वो सुकून रहने की वजह से ये बॉडी को बहुत इत्मीनान है, और यहाँ महसूस भी हो रहा बॉडी में। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है आपकी रूहें हैं वहां पे मजा कर रही है, देखो आपकी बॉडी में पता चल रहा है। ऐसे ही अब वो टूट बोले तो आना नहीं चाहती, आप फुटबॉल मार के मुझे उठा दिए समझो, उठते ही मैं क्या करता हूं, देख किसी मुझे डिस्टर्ब किया सब, बोलता नहीं बोलो। इसका मतलब ये है हमारी रूहें हैं वो मजा करती हैं, वो महसूस भी होता बॉडी में, देखो बॉडी नहीं महसूस मजा नहीं कर रही है, कर रही है सो वहाँ पे हमारी रूह, और ये हमारी रूह को कौन तो ये उठ का तो आना नहीं चाहती, क्योंकि ये वहाँ सुकून और इत्मीनान से है। अब उठ बोल के फुटबॉल मार दिए तो आके जम के कीजिए मुझे उठाए सो कर को, मैं अपने आप में मैं आपको सवाल करता हूँ, ये मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, कौन सवाल कर रहे हैं पता है आपको? ये मेरी रूह है, देखो ये रूह, ये रूह आके जम के ये रूह मेरे मुंह से बोलने फरमाती, क्या बोल के कि जी मुझे डिस्टर्ब किया सर, क्यों डिस्टर्ब करने क्या जरूरत थी जी बोल के, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी रूह बोलने फरमाती, देखो रूह है मजाक करती है, रूह है और इसे ट्रबल भी होता है। और इसके बाद में और भी बहुत सारे मिसालें दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक देता हूँ फिनिश कर देते, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। और दूसरी बात देखिए, अच्छे ख्वाब बुरे ख्वाब में ऐसा निकल जाती, ये जान भी धड़ यहाँ रहती, इंसान नहीं मरता, ये दोनों एक रहने की वजह से, और उसके बाद में ये कहीं दूर जाती, ये जहाँ दूर जाती ना वहाँ पे गड्ढे में गिरे जैसा, सर फोड़ दिए जैसा, रूफ आके ऊपर सांप बिच्छू काटे जैसा, भागो 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 भागो, भागने नहीं होता यार। अरे मेरी माँ बहनों गौर कीजिए ना,
मैं खास कर ये मेरी माँ बहनों के लिए बता रहा हूँ, ये हर इंसान के लिए इबरत है, लेकिन फिर भी खास कर मेरी माँ बहनों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो पाँव में उंगलियों की अंगूठियां लगाते ना, ये देखा मैं, इसलिए ये बता रहा हूँ। देखिए अब क्या होता है, ये डर डर जाती, डरने के फौरन बाद क्या होती, ये गड्ढे में गिरे जैसा, आपको दबा दले जैसा, सांप पीछा काट, भागो भागो भागो, भागने नहीं होता, क्यों, चीख रही हमारी रूह, चीख रही सो हमारी रूह, तड़प रही सो हमारी रूह, और घबरा गई सो रूह, तकलीफ हो रही सो रूह को, आवाज नहीं आती, क्योंकि ये पुकारने का जो डिब्बा है यहाँ बॉडी में है, ये दोनों के बीच में है, इसमें नहीं है। अब ये डर के फौरन आके यूं जम जाती, ये इसमें जो डर रहता ताप ना लाके, इसमें जैसे सांप बिछा काटे ऐसे तकलीफ हो जाती ना, ये आंखों जमते के बाद फौरन अल्लाह 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 जिंदा हूं। भाई ये अल्लाह ताला बता रहा है आपकी रूहों को तकलीफ होती, याद रखो। अब आ रहा हूँ पेन पॉइंट पे, देखिए तीन चीजें हैं, जान है, बॉडी है और रूह है, इंसान को पता चले ये कैसी है, किधर है, पानी के सर की है, घट है या पतली है, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कुरान में फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी अलैहिस्सलाम, ये लोग आपको आपको रूह के बारे में पूछते हैं, आप इन्हें बता दो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, तो इसलिए हमें वो कैसी घट, पानी, पतली, ये वो जरूरत नहीं, लेकिन रूहों को तकलीफ होती है। सूरतुल मारिज में आप उठा के देखो पूरा चैप्टर नंबर 70, जहां पे जहन्नम का तस्करा पूरा कैसा होता है, रिश्तेदार कैसा तोड़ने को भागते, सब दिखा रहा है। ये किसे होता है अगर बोल रहा है, रूहों को कर बोलता है अल्लाह, ये हो रहा है नहीं करने के वास्ते, ये दो चीजें मैं बोलिया। आज मैं मर गया समझो, मिसाल एक छोटी मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर मैं मर गया समझो, मेरी जान अल्लाह की अमानत है, जान मेरी अल्लाह की अमानत है, अल्लाह ले लेता, मेरा धड़ सड़ जाता, पुनर्जन्म नहीं है, ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं बड़ा बनाना नहीं चाहता, मेरी दूसरी और भी वीडियोस है इसी चैनल पे, आप उस चैनल को देखिए, उसमें रूह पुनर्जन्म वगैरह वगैरह के बारे में बात किया हूँ, उसको भी आप समझिए, गैर मुसलमानों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिए आप। अब ये देखिए, जान चली गई अल्लाह की अमानत, धड़ सड़ गया, बची रूह, सिर्फ आलम अरवाह में जब थी तो उसने उठा के मेरी माँ के पेट में डाला, मेरी माँ के पेट में से मेरी बॉडी को आई वो रूह, आज मैं मर गया, जान चले गई, धड़ सड़ गया, बची सिर्फ रूह, अल्लाह के पास फिर जाना है, क्योंकि पुनर्जन्म नहीं है, रिबर्थ नहीं है। अब वहां पे जाना है तो वहां पे जाने के बाद में अल्लाह ताला पूछता, जरूर पूछता ना, मैं तुझे भेजा था मुसलमान बन के रहो बोल के, कुरान पढ़, अहादीस पढ़, उन चीज़ों के ऊपर अमल कर, अल्लाह की बात पर रहो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात पर रहो बोल के मैं तुझे भेजा था इस दुनिया में, तूने गैर मुसलमानों का तरीका अपनाया, क्योंकि तू उनके तरीके में अपनाया, इसलिए तू उन्हीं में रहना है बोल के उठा के अगर जहन्नम में डाल दिया, तो कैसे आप अपनी रूह को वहां पे जहन्नम में बचा लेते बताओ, जबकि ना तो कुरान में है ना तो हदीस में है, क्या ना तो अल्लाह के तरफ से है ना तो नबी अलैहिस्सलाम के तरफ से है, कि जब तक तुम्हें पाँव में उंगलियां में अंगुलियां अंगूठियां नहीं डालते तब तक आपकी शादी नहीं होती, कर बोल को कहाँ है बताओ, नहीं है। अगर फिर भी करे, हमें एक बिद्दत को ईजाद करे और वहां उनमें कुफर में रह गए, जैसा वो हदीस है जो जिनका तरीका अपनाया वो उनमें हो गया बोल के, तो वहीं पे रहना पड़ता है। इस चीज लिए मेरी मेरी आपसे आजीजाना गुजारिश है, मेरी माँ बहनों, ये उंगलियां डालना, ये काले तागे डालना, या नहीं कहो तो काली पोत डालना, ये सब गलत चीजें हैं, इन चीजों से अलग रहिए। अल्लाह हमें और तुम्हें अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी आपको आजीजाना गुजारिश है, अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, और किस तरीके से आपको भेजना था, इसलिए मैं कोशिश करते रहता हूँ ऐसे ही चंद चीज़ों के ऊपर आप लोगों को भेजने के लिए। और उसके बाद में अगर अच्छी लगी है सब्सक्राइब करिए, और उसके साथ साथ लाइक करिए, लाइक करके आगे दूसरों को भी भेजिए, यही मेरी गुजारिश है। बस अल्लाह हमारे और आपकी हिफाजत करे, हमें और आप माँ बहनों को, हमारे भाइयों को, जितने भी हैं जो अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पे हैं, उन्हें सब अल्लाह ताला हिफाजत करे, और उन्हें वहाँ पे आखिरत में जन्नत भी दे, हमें वही तलबगार है, हमें हमें वही तलब है हमारी भी। तो मैं इन छोटी बातों के ऊपर मैं चंद बातें ख़त्म बोलते हुए ख़त्म कर रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।